इंडिया वर्सेस भारत के इस विवाद में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ भारत की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड पर अब इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। इससे पहले G20 के शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस पर भी कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी। पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि INDIA गठबंधन की लगातार होती मीटिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए, इसीलिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में खींचतान चल रही थी कि इसी बीच भारत वर्सेस इंडिया का नया मुद्दा सामने आ गया है। G20 के शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो पूरे देश में राजनीति का विषय ही बदल गया। एक देश एक चुनाव से हटकर भारत वर्सेस इंडिया राजनीति के केंद्र में आ गया। पूरे देश में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड को लेकर विवाद हो गया। इस लेटर में देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन यानी EAS में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर इंडिया को भारत लिखे जाने पर आपत्ति दर्ज की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। यह हमारे संविधान में लिखा गया है, इस पर कोई बहस नहीं है। न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट भी। मैक्सिमम घबराहट, मैक्सिमम थकावट। ये थकावट और घबराहट जो दिखाई दे रहा है, और खास तौर से पहले पटना के बैठक के बाद, फिर बेंगलुरु के बैठक के बाद और हमारे मुंबई के बैठक के बाद, थकावट तो पहले से ही थी पर जो घबराहट है, भोकला गए हैं प्रधानमंत्री और उनके जो रणनीति बनाते हैं, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उनमें घबराहट तो दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ है। इधर AICC चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए पत्र में सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि पहली बार संसद सत्र का एजेंडा विपक्ष से शेयर नहीं किया गया। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA ने कहा था कि वो 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करना चाहती है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि बैठक का विशेष एजेंडा क्या है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ही आक्रमण हो रहा है। इसीलिए सोनिया जी ने अपने खत में लिखा है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। संविधान में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर इस यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस संघीय ढांचा पर, राज्यों के संवैधानिक हकों पर, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहा है, इस पर चर्चा होना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंडोनेशिया दौरे के कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक्स यानी ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आया। ऐसे में भारत वर्सेस इंडिया पर राजनीति दिनों दिन तगड़ी होती जा रही है। सत्ता पक्ष के अलावा लगभग हर विपक्षी दल इंडिया को भारत करने के विरोध में है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कोई दल। इंडिया वर्सेस भारत पर इन दलों ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संविधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इंडिया नाम तो तमाम दुनिया में इसकी पहचान है, तमाम दुनिया सैकड़ों साल से इंडिया को जानती है, भारत को भी जानती है, हमें भारत से कोई एतराज नहीं है।
अगर करना था तो पहले कर देते। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने तो 2004 में यूपी असेंबली से पास करा था कि इंडिया को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम। लेकिन इनको जो सो के जागे हैं वो इंडिया अलायंस की घबराहट ने इनको जगा दिया। अब हर चीज से इंडिया का नाम हटा रहे हैं, कहां तक हटाएंगे, कितनी योजनाएं चल रही हैं, कितने चैनल चल रहे हैं, जगह जगह इंडिया इंडिया इंडिया, चारों तरफ इंडिया, पूरी दुनिया में इंडिया। तो ये इनकी हताशा और निराशा दर्शाती है और राजनीति का निम्न स्तर दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन बना है, इसको लेके बीजेपी के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये एक डर पैदा हुआ है, एक भय पैदा हुआ है, उनका अंदर एक घबराहट पैदा हुआ है। ये किसी ना किसी तरह इंडिया का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं, उनको एक डर आ जाता है। तो ये इसको बदलने के नाम पर एक चर्चा कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि इंडिया नाम को लेकर विवाद तब से शुरू हुआ जब विपक्ष के 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। गठबंधन की पहली बैठक बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई थी। इसमें इस गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया था। इसके बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA की जगह इसे घमंडिया गठबंधन का नाम दिया। तो अब विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से इतना डर गए हैं कि इसका नामोनिशान तक मिटा देना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ये बहस भी छिड़ी हुई है कि अगर इंडिया का नाम भारत कर दिया जाता है तो इंडिया के नाम से तमाम चल रही योजनाओं, विकास कार्यों, फर्मों, निगमों, बोर्डों और संस्थाओं का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। तो भारत वर्सेस इंडिया के इस विवाद को लेकर जो गहमा गहमी मची हुई है उसमें हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर देश का नाम क्या सच में इंडिया हटाकर भारत किया जा रहा है, और अगर ये होता भी है तो इससे देश पर क्या फर्क पड़ेगा, और जो भी बदलाव होगा वो संवैधानिक होगा या असंवैधानिक होगा। आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। भारत वो देश है जहाँ की हर एक चीज भारतीयता का एहसास कराती है। इसके आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष जैसे कई नाम रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि हजारों साल पहले तो भारतवर्ष एक उपमहाद्वीप था। आर्यवर्त के नाम से पूरे विश्व में अपना डंका मचाने वाले इस देश का नाम भारत भी सतयुग में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर पड़ा था, जिसके बाद ये देश भारत के नाम से जाना गया। लेकिन अब इसी नाम को लेकर फिर से पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। अब भारत देश को भारत नाम फिर से वापस रखने के लिए तमाम विवादों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश हुकूमत का दिया गया नाम इंडिया अब अपने अस्तित्व के लिए भारत नाम से भिड़ रहा है। यहाँ विवाद ये है कि इंडिया को वापस भारत बनाया जाए, यानी हर जगह से इंडिया का नाम हटा दिया जाए और भारत को उसकी जगह दी जाए। लेकिन विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है और कह रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के महागठबंधन INDIA यानी इंडिया से डर गई है और अब इंडिया शब्द को ही हर जगह से हटा रही है। लेकिन यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या सच में इंडिया को हटाया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी जिसे भारत नाम से दिक्कत है वो उसकी मानसिकता बताता है। मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। G20 के लोगों में भारत और इंडिया दोनों लिखा है। ऐसे में वो भारत नाम पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? जब वो विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना करते हैं, जब वो भारत में रहते हैं तो भारत नाम पर आपत्ति जताते हैं। अनुराग ठाकुर के इस जवाब से यह तो साफ हो गया है कि इंडिया नाम को हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन भाजपा और पार्टी के समर्थन वाले कई नेता कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाकई में इंडिया का नाम हटाकर भारत किया जा रहा है। G20 और इंडोनेशिया दौरे के लेटर में इसकी वानगी देखी जा रही है। विपक्ष को खुद नहीं पता है 1949 से कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के अंदर भारत नाम रखने का प्रस्ताव सदन में ले आए थे। कम से कम हमको अंदाज है कि दर्जन भर बार सदन के अंदर लोकसभा में ये प्रस्ताव आया है। आज जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नाम रखने के बाद ऐसा बीजेपी कर रही है, वो गलत फहमी में है। उनको खुद नहीं पता है कि कब कब ये सदन में चर्चा हुई है, कब कब इसका नाम कैसे कैसे हुआ है। तो जो मतलब डिनर इन्विटेशन दिया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा है ये बहुत
सही है क्योंकि इंडिया ये नाम इंग्लिश नाम है, लेकिन भारत हम भारतीय है, इसका हमें अभिमान है। इसी तरह की घोषणा हम बहुत बार करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने आलोचना करने की उनकी आदत ही है, उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन किया इसीलिए हम घबरा गए हैं, लेकिन हम घबराने की बात नहीं है। विपक्षी दलों को जो करना है वो करने का उनको पूरा अधिकार है, विपक्षी दलों को जो गठजोड़ करना है वो करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देगी बहुमत देगी वो सत्ता में आते हैं। 70 साल तक आप लोग सत्ता में रहे, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी जो है ये पार्टी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर सत्ता में आई थी, लेकिन आप लोग 60-70 साल सत्ता में रहे तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ जो भारत जो लिखा है ये सही है, और विपक्षी दलों की आलोचना पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भारत वर्सेस इंडिया की इस लड़ाई में बात संवैधानिकता और असंवैधानिकता की हो रही है। विपक्ष के नेता इसे असंवैधानिक बता रहे हैं, हालांकि अभी केंद्र की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि इंडिया का नाम पूरी तरह से हटाकर भारत किया जा रहा है। लेकिन देश का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि हर किसी के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि इंडिया का नाम हटाया जा रहा है। देश का नाम बदलने के इतिहास में थोड़ा झांक कर देखें तो पता चलेगा कि साल 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव किया था। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। फिर इसके 4 साल बाद यानी 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा था कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है। हमारे देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। अंग्रेजों के भारत आने से पहले इंडिया नाम अपने अस्तित्व में नहीं था। तब देश को भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान नाम भी ग्रीक ने दिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब है कि देश के 2 नाम हैं। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा में भारत और इंडिया दोनों ही नामों का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी दोनों ही नाम लिखे जाते हैं। अब यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि ये 2 नाम पड़े कैसे। दरअसल 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर 18 सितंबर 1949 को तीखी बहस हुई। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एचवी कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के 2 नाम थे, इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का नाम एक ही होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारत वर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेला नाम नहीं थे। सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। इसके बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है शब्द लिखना चाहिए। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। साथ ही चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखों का हवाला देते हुए कहा कि देश का मूल नाम भारत ही है। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसीलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य केवी राव ने भी 2 नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तो ये तक सुझाव दे दिया था कि सिंध नदी पाकिस्तान में है इसीलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच तीखी बहस हुई थी। त्रिपाठी ने कहा था कि देश हजारों साल तक गुलामी में था, अब इस आजाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होगा। हालांकि इसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।